हेलो स्टूडेंट्स, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग चैप्टर में ये लास्ट वीडियो है। क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहे हैं आज हम। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। इमली का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आने लगा, झूलन्स के मुंह में पानी आने लगा। अब When does your mouth water? आपके मुंह में कब पानी आता है? List five things you like to eat and describe their taste. तो कोई भी पांच चीजों के नाम लिखने हैं और उनका टेस्ट बताना है। My mouth waters on seeing, smelling, hear or even thinking of the food items I like to eat. Generally हमारे मुंह में कब पानी आता है? जब हमें जो खाना अच्छा लगता है उसका नाम सुनते ही हमें मुंह में पानी आ जाता है। फाइव थिंग्स दैट आई लाइक टू ईट एंड देयर रेस्पेक्टिव टेस्ट आर। टेस्ट टेस्ट कौन कौन से होंगे ये भी लिखना है। सबसे पहले हम फूड ले लेते हैं। पिकल, आइसक्रीम, पोटैटो चिप्स, चॉकलेट्स, बनाना शेक। तो सबके टेस्ट भी लिखने। पिकल का टेस्ट होता है सोर, आइसक्रीम का टेस्ट होता है स्वीट, पोटैटो चिप्स का होता है सॉल्टी, चॉकलेट्स का स्वीट, बनाना शेक भी स्वीट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, व्हाई? आपको एक ही तरह का टेस्ट पसंद है या अलग अलग और क्यों? वी लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। दिस इज बिकॉज इफ यू कीप ईटिंग फूड विथ सिमिलर टेस्ट वी विल गेट बोर्ड ऑफ दैट टेस्ट वेरी सून। हमें अलग अलग तरह के टेस्ट अच्छे लगते हैं क्योंकि सिमिलर टेस्ट, सेम टेस्ट खाने से हम बोर हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी हमें अच्छा नहीं लगता है खाना। मोर ओवर टू स्टे हेल्दी वी नीड अ डाइट विथ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड दैट हैव डिफरेंट टेस्ट। तो जो हमारी डाइट होती है बैलेंस डाइट को बनाने के लिए, प्रॉपर फूड को खाने के लिए हमें हर तरह का खाना खाना चाहिए और हर टेस्ट का खाना खाना चाहिए। झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पाज माउथ। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? झूलन ने कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस की झुम्पा के माउथ में डाली। क्या हम भी कुछ ड्रॉप्स से किसी चीज का टेस्ट पता कर सकते हैं? यस, आई थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट ऑफ लेमन जूस विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इट। दिस इज बिकॉज लेमन जूस इज वेरी सोर एंड आवर टंग हैज टाइनी बम्प लाइक स्ट्रक्चर दैट कैन रिकॉग्नाइज द टेस्ट ऑफ इवन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। जैसे कि लेमन जूस में हम करते हैं, थोड़े से ही ड्रॉप से हमें टेस्ट पता चल जाता है। ऐसे कुछ आइटम्स, फूड आइटम्स होते हैं जिनके ड्रॉप्स ही हम सिर्फ टंग पे डालेंगे तो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कौन सा फूड आइटम होगा। इफ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ, एनी सीड, ऑन योर टंग, वुड यू एबल टू टेल विद योर आईज क्लोज्ड हाउ? अगर आपकी आईज क्लोज हैं और आपकी टंग पे सौंफ यानी एनी सीड को रखा जाए तो क्या आप बता पाएंगे कि क्या है? We will not able to judge that it is सौंफ, any seed, until we start chewing it. ऐसे ही लेमन जब हमने टेस्ट किया तो उसको हमारे टंग पे लगते ही हमें पता चल गया, लेकिन हर फूड आइटम से हम पता नहीं कर सकते हैं। जैसा कि एनीसीड का एग्जाम्पल लिया, इसे जब हम चबाएंगे तभी इसकी खुशबू का भी एहसास होगा और टेस्ट का भी। वंस वी स्टार्ट च्यूइंग इट, इट स्टार्ट्स गेटिंग मिक्सड विद द सलाइवा प्रेजेंट इन द माउथ, वी आर देन एबल टू रिकॉग्नाइज इट स्वीट टेस्ट। जब हमारे सलाइवा से मिक्स होगा माउथ में तो इसके स्वीट टेस्ट के बारे में पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग दैम? व्हाट आर दीज थिंग्स? झुम्पा ने फ्राइड फिश हो रही थी तो कैसे पता लगाया कि ये फिश फ्राई हो रही है? क्या हम कुछ चीजों को ऐसे पता लगा सकते हैं विदाउट टेस्टिंग? झुम्पा माइट हैव मेड आउट द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल। स्मेल से झुम्पा को पता चल गया होगा। देयर आर सेवरल अदर थिंग्स वी कैन मेक आउट यूजिंग देयर स्मेल। फ्यू ऑफ देम आर, कुछ चीजें हैं फूड आइटम जिनकी खुशबू से हमें पता चल जाता है कि ये चीज हमारे घर में बन रही है, प्रिपेयर हो रही है। हलवा
हलवे की खुशबू आ जाती है, कॉफी की खुशबू भी आ जाती है, ऑरेंज की खुशबू जैसे ही आप उसको पील आउट करते हैं खुशबू आ जाती है, सांबर बनने की भी खुशबू बहुत जल्दी आती है। हैज एनी वन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग मेडिसिन? वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? जब मेडिसिन लेते हैं तो बोला जाता है कि आप नोज को थोड़ी देर बंद कर लीजिए तो आप इजीली अपनी दवाई मेडिसिन को ले पाएंगे। क्यों ऐसा बोला जाता है? नोज इज अ सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल। स्मेल का नोज सेंस ऑर्गन है स्मेल करने के लिए। होल्डिंग द नोज वाइल टेकिंग मेडिसिन इनेबल अस टू टेक इन द मेडिसिन विदाउट सेंसिंग इट्स बैड स्मेल। यानी कि नोज से हम स्मेल करते हैं, वो सेंस हमारा बंद कर लेते हैं हम, तो उससे हमारा मेडिसिन इजीली हम उसे खा सकते हैं या पी सकते हैं, क्योंकि हमें जो स्मेल सेंस है वो नहीं आएगा। द टू सेंसेस स्मेल एंड टेस्ट आर क्लोजली रिलेटेड, हैंस ऑन ब्लॉकिंग द नोज वी आर एबल टू नीदर स्मेल नॉर टेस्ट द मेडिसिन प्रॉपरली। तो जब हमारी तबीयत खराब होती है, हमें जुकाम हो जाता है, कोल्ड होता है, तब भी हमारी जो नोज ब्लॉक हो जाती है तो हमें किसी भी चीज़ का स्मेल और टेस्ट पता नहीं चलता। खाने का टेस्ट इसीलिए हमें पता नहीं चलता है क्योंकि हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है, नोज से ही हमें स्मेलिंग सेंस होता है। इफ समवन आस्क्ड यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर, यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज? टमाटो, ऑनियन, सौंफ, गार्लिक, इनका टेस्ट आप कैसे बता पाएंगे? थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। टमाटो का हम देखते हैं कैसा टेस्ट होता है, स्वीट समथिंग, कभी कभी स्वीट होता है, टैंगी भी होता है। ऑनियन टैंगी एंड हॉट, सौंफ स्वीट होता है एंड गार्लिक का शार्प और हॉट कह सकते हैं। When Jhumpa tasted some of the things she said, she, what do you think she may have eaten? उसने क्या खाया होगा कि उसके मुंह से आवाज आई she. Jhumpa might have eaten chilies or something hot and spicy which made her to sound she. जब हमारे मुंह से she की आवाज आती है, it means कि हमने कोई तीखी चीज खाई है, कोई हॉट चीज इस तरह की स्पाइसी खा ली है जिसके हमारे माउथ से इस तरह की आवाज आती है। हैज एनी वन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली? वाई डू यू थिंक दे से दिस? हमें घर में कई बार बोला जाता है कि खाने धीरे धीरे खाना खाइए जिससे डाइजेस्ट हो पाए इजीली, और च्यू करके अच्छे से चबा के खाना खाइए, ऐसा क्यों कहा जाता है? यस, पेरेंट्स यूजली एडवाइज देयर किड्स टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली, जिससे कि फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाए। किड्स को, घर में बच्चों को जनरली बोला जाता है कि जो भी खाना खाएं वो स्लोली स्लोली खाएं और चबा के खाएं अच्छे से, जिससे फूड डाइजेस्ट हो जाए। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग ब्रेक्स डाउन लार्जर फूड पार्टिकल्स इंटू स्मॉलर वंस, दिस हैज टू एडवांटेजेस। जो भी फूड पार्टिकल्स को चबा के खाया जाता है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है और उस तरह से हमें उसके खाने के बहुत फायदे होते हैं। मॉइस्चरिंग ऑफ फूड दैट इनेबल्स इट्स इजी स्वेलोइंग, स्वेलो करने में फूड को बहुत आसानी होती है। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द माउथ। जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर हम अच्छे से चबाते हैं तो वहीं से डाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से शुरू हो जाता है। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा, वॉट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट योर माउथ टू वेन यू स्वेलो इट? थिंक वॉट डज द सलाइवा इन आर माउथ डू? हमारे मुंह में सलाइवा का क्या काम होता है ये हमें बताना है। एज वी बाइट अ सब्सटेंस सच एज द ग्रीन गुआवा, वी टेक इन अ स्मॉल पीस ऑफ दैट सब्सटेंस इन आर माउथ। ग्रीन गुआवा अगर आपको खाना है, जो बहुत ही हार्ड होता है, उसको अगर हम खाते हैं तो छोटा सा पीस खाते हैं, इनसाइड द माउथ इट स्टार्ट्स मिक्सिंग विद सलाइवा, और फिर वो हमारे माउथ में सलाइवा के साथ मिक्स होने लग जाता है। नाउ एज वी स्टार्ट च्यूइंग इट, इट गेट्स मोर एंड मोर मिक्सड अप विद द सलाइवा।
और जैसे जैसे हम उसे चबाते हैं, ज्यादा चबाते हैं, तो वो सलाइवा के साथ और अच्छे से मिक्स होने लगता है। इन दिस मैनर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। दिस सलाइवा मिक्सड विद द फूड सब्सटेंस इज ऑल्सो ईजी टू स्वेलो। जितना अच्छा सलाइवा से मिक्स हो जाएगा हमारा फूड सब्सटेंस, वो स्वेलो करने में भी आसानी हो जाएगी। हाउ डू यू फील वेन यू आर वेरी हंग्री? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। आप हंग्री होने को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? क्या फील कर सकते हैं आप हंग्री होने को? यानी आप जब भूखे होते हैं तो आपको कैसा फील होता है? और कई बार हम ऐसे ही मजाक में भी बोल देते हैं कि मुझे तो इतनी तेज भूख लग रही है कि मैं एलिफेंट भी खा सकता हूँ। व्हेन वी आर हंग्री वी फील एम्प्टी इन आर स्टमक। जब हमें भूख लगती है तो हमें लगता है हमारा स्टमक बिल्कुल खाली है, हमारा पेट बिल्कुल खाली है। द वॉल्स और आर स्टमक गिव्स अस अ फीलिंग एज इफ दे गेट कॉलेप्स्ड। हमारा स्टमक ऐसा फील करता है कि वो कॉलेप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आर स्टमक एंड इंटेस्टाइन स्टार्ट मेकिंग नॉइजेस एज इफ दे आर डिमांडिंग फूड। और हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन अजीब तरह की आवाजें शो करने लगती हैं, आवाजें करने लगती हैं। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हैं? वेन आई एम हंग्री माई स्टमक स्टार्ट मेकिंग नॉइजेस अदर साइंस ऑफ हंगर दैट आई गेट आर। कौन कौन से ऐसे साइंस होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हम भूखे हैं? डिजायर टू ईट फूड, फूड खाने की बहुत तेज इच्छा होती है। एंगर एंड इरिटेशन, हमें गुस्सा आने लगता है और इरिटेशन होती है। फीलिंग टायर्ड एंड ड्रेन्ड आउट ऑफ द एनर्जी, ऐसा लगता है कि बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है, हम बहुत थक चुके हैं। थिंक वॉट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 डेज। अगर आप 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 डेज वी विल स्टार्ट फीलिंग टायर्ड, ड्रेन्ड आउट, एंग्री एंड इरिटेटेड। वी वुड नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी, वी मे ऑल्सो फॉल इल। अगर हम 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो हमें बहुत थकावट महसूस होगी, हमारी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हम गुस्से में हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, हर चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेशन होगा और हम किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी हो, और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। Would you able to manage without drinking water for 2 days? क्या 2 दिन तक अगर हम पानी ना पिए तो मैनेज कर सकते हैं? Where do you think the water that we drink goes? हम जो वाटर पीते हैं वो कहाँ जाता है? It would be very difficult for me to stay without water for 2 days. Yes, 2 days तक हम वाटर नहीं पिए तो मुश्किल हो जाती है। The water we drink goes to the pipe. फूड पाइप एंड देन टू द स्टमक इन द सेम वे एज फूड मूव्स इन आर बॉडी। जैसे खाना हमारी बॉडी में मूव करता है, माउथ से लेकर फूड पाइप से जाता है, उसी तरह से हमारे पानी भी स्टमक में जाता है। एक्सेस ऑफ वाटर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। वाटर यूज हो जाता है लेकिन एक्सेस ऑफ वाटर, जो ज़्यादा पानी होता है, वो यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। Why can you not taste food properly when we have a cold? जब हमें कोल्ड होता है, जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, तो हमें खाने में टेस्ट क्यों नहीं पता चलता? We are not able to taste food properly when we have a cold because the senses of smell and taste are very closely connected. हमारे 2 senses हैं, smell और taste. ये बहुत closely connect होते हैं nose के through. And since our nose gets blocked, हमारी nose जब block हो जाती है, when we have cold, we are not able to smell and taste food. हमें किसी भी खाने का कोई स्मेल और टेस्ट नहीं पता चलता है क्योंकि हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है कोल्ड की वजह से। इफ वी वर टू से दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? राइट, डाइजेशन माउथ से शुरू होता है, इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इट इज सेड दैट डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ बिकॉज द सलाइवा प्रेजेंट इन द माउथ हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड इंटू स्मॉलर यूनिट्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द शुगर्स प्रेजेंट इन द फूड। तो जो भी हमारे सलाइवा होता है माउथ में, वो अच्छे से मिक्स करता है हमारे खाने को माउथ में, इसीलिए हम कहते हैं कि डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है और वो ब्रेक डाउन कर देता है हमारे फूड को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में, जिससे कि डाइजेशन ईजीली हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर।
आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।